हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी कोड। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस बॉर्डर्स, सीएसएस के बॉर्डर्स के कलर्स वगैरह, जो भी हमारा है, कैसे कैसे बॉर्डर्स होते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये बात बता देता हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, जिसमें हमने सीएसएस के बारे में सारी नॉलेज दे रहा हूँ। अब उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पहले अपना टाइटल लिखते हैं, सीएसएस बॉर्डर्स। सीएसएस का कितने तरफ के बॉर्डर, कितने तरह के बॉर्डर्स होते हैं, उसके बारे में सारी नॉलेज, कैसे कलर देते हैं, तो सारा बताते हैं कि कैसे उसे कर्व वगैरह करते हैं। तो यहाँ मैं अपनी इंटरनल सीएसएस करूँगा, क्योंकि मुझे बार बार इधर से उधर नहीं अच्छा लगता जाना। तो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने पिछली वीडियो में एक्सटर्नल की थी, अभी इंटरनल करके दिखा रहा हूँ सीएसएस। तो आज हम बॉर्डर्स के लिए लिखने के लिए हम ना पैराग्राफ्स लगाएंगे अलग अलग। हम टोटल 10 टाइप्स की, मतलब सीएसएस बॉर्डर्स होते हैं 10 टाइप्स के, तो मैं अलग सबके लिए अलग अलग लगाऊंगा। जैसे अभी मैं यहाँ पी स्टार अपना 10 लगा दूंगा, तो 10 यहाँ 10 पैराग्राफ्स आ गए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे HTML का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा कोर्स हमने एक्सप्लेन किया है, वो भी सिर्फ वेब डेवलपिंग के लिए जो HTML यूज़ होती है। तो यहाँ मैं अपना है वही पैराग्राफ में पहले लिखूँगा नन। नन आपको पैराग्राफ तो पता ही चल गया होगा, डॉटेड डॉटेड पैराग्राफ हो, अपनी डॉटेड होगी जो मतलब डॉटेड बॉर्डर है। तो यहाँ डॉटेड मैं लिख देता हूँ पूरा, I am डॉटेड बॉर्डर। तो यहाँ I am डॉटेड बॉर्डर। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखता जाऊँगा, I am डैश्ड बॉर्डर। तो ये हमारा I am डैश्ड बॉर्डर, ठीक है। तो ये हमारा डैश बॉर्डर हो गया। तो यहाँ I am सॉलिड बॉर्डर, तो ये अपना सॉलिड बॉर्डर हो गया, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे कौन से बॉर्डर होते हैं। अभी सिर्फ आप ऐसे लिख लो, आप साथ साथ कर रहे हो तो ऐसे लिख लो। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इतना लंबा लिखना ना पड़ जाए। तो 1 मिनट, यहाँ कॉपी करके मैंने कॉपी जो कर लिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल बॉर्डर। तो मतलब कि 10 टाइप्स के बॉर्डर होते हैं, जो अलग अलग आपको शेडिंग बता रहे हैं। आपको ग्रुप बॉर्डर, तो ये हमारा नेक्स्ट है ग्रुप बॉर्डर। तो उसके बाद आता है, या मैं लिखता हूँ 1 मिनट, कॉपी करके मैंने ये I am बॉर्डर डाला। यहाँ अपना रिज रिज ये इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं है, हमने तो बस बॉर्डर के बारे में बताना है। तो यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ इनसेट, इनसेट बॉर्डर अपना। यहाँ फिर पेस्ट करता हूँ, अभी I am बॉर्डर के बीच में लिखता हूँ, जैसे अभी मैं बॉर्डर अपना आउटसेट, आउटसेट बॉर्डर। तो अभी मैं आपको सारे बॉर्डर्स हैं बता रहा हूँ कि कौन से बॉर्डर होते हैं। मैं आपको कुछ ही करके दिखाऊंगा, जैसे चार तीन या चार कर कर दिखाऊंगा, इसमें से आपको सारे नहीं कर कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हिडन बॉर्डर अपना लास्ट है। तो हम यहाँ अपनी CSS लिखेंगे पैराग्राफ में ना, अभी हम क्लास से टारगेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि क्लास कहते हो, तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारी प्लेलिस्ट असेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें लिखा है कि क्लास आईडी सिलेक्टर क्या होते हैं, सब उसमें सब एक्सप्लेन है। तो या मैं ऑल्ट दो, अगर सबको अपना एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, या थोड़ी सी मेरे वाले में प्रॉब्लम आ जाती है, 1 मिनट। तो यहाँ मेरे सारे सिलेक्ट हो गए, अभी मैं क्लास दूंगा इन्हें, जैसे यहाँ लिखता हूँ क्लास, लिखता हूँ एंटर प्रेस किया, और ये क्लास है। 1 मिनट, ये बीच में कुछ खराब थोड़ा सा, 1 मिनट, पूरा पैराग्राफ लगाता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ भी पी लिख दिया अभी, तो ये अपना क्लासेस दे होगी सबकी। 1 मिनट, मैंने क्लास का नेम नहीं दिया अभी, 1 मिनट 1 मिनट, क्लास का नेम। तो यहाँ मैं सेम नेम देता हूँ नन, और उसके बाद डॉटेड डॉ, यहाँ आ गया नीचे डॉटेड। तो यहाँ अपना डैश्ड, तो ये डैश्ड आ गया, ये अपना सॉलिड, और ये डबल डबल, मतलब कि मैंने इस क्लास सेम दिया है, जैसे कि कौन सा ऑर्डर करना है उसके लिए क्लास, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि सके भी ये ग्रूव है, ये सॉलिड है, ये डॉटेड है, ये डैश्ड है। तो ये सिंपल था। तो ये हमारा रिज हो गया, उसके बाद इनसेट, इनसेट के बाद आउटसेट।
और आउट सेट के बाद हमारा बॉर्डर था, ये हमारा अपने आप आ गई क्योंकि हमने ये सेट करना था इस सेट के बाद हिडन बॉर्डर। तो ये हमारे अलग अलग 10 टाइप्स के बॉर्डर होते हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ जैसे पी पैराग्राफ टैग, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर है ना क्लास, तो पहले पैराग्राफ क्लास के लिए पी डॉट नन जो हमने यहाँ क्लास लगाई है उसके मैं हमने बता सिखाया था कि डॉट लगाकर हम क्लास लिखते हैं और हैश टैग लगाकर हम आईडी लिखते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ देंगे एक बॉर्डर अपना स्टाइल देते हैं, पहले बॉर्डर स्टाइल नन कर दिया, ठीक है, या नन किया था इसका नन कर दिया। अभी मैं इसको बाद में दिखाता हूँ, पहले नेक्स्ट वाले देखते हैं पी डॉट जहाँ हमारी क्लास थी डॉटेड टी ओ, तो यह हमारा डॉटेड लिख दिया हमने। तो इसमें हम बॉर्डर स्टाइल देंगे वो होगा हमारा डॉटेड, तो ये हमारा डॉटेड हो गया। अभी आपको इसकी मैं आउटपुट दिखाता हूँ कि डॉटेड बॉर्डर क्या दिखता है या नहीं। ये देखिए हमारा डॉटेड आ गया बॉर्डर, तो ये हमारा बॉर्डर डॉटेड आ गया। वैसे ही अगर हम पी डैश्ड वाले बॉर्डर में करेंगे पी डॉट डैश्ड, एक मिनट मैंने क्लास गलत लिख दिया, हाँ अब ये क्लास सेम होनी चाहिए आपकी, अलग नहीं होनी चाहिए वरना ये आउटपुट शो नहीं करेगा। तो हमारा डैश्ड में बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे डैश्ड, तो ये हमारा बॉर्डर स्टाइल डैश्ड आ गया। अगर हम अब चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा बॉर्डर स्टाइल डैश्ड आ, ये डैश्ड शो हो रहा है। तो डैश्ड के बाद हमारा आता है सॉलिड बॉर्डर, तो पी डॉट सॉलिड लिखेंगे हम। एक मिनट मैंने क्लास का ये इतना सा भी चेंज होगा तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी। पी डॉट सॉलिड या बॉर्डर स्टाइल दूंगा मैं सॉलिड, सॉलिड दूंगा। तो अभी हमारे आउटपुट चेक करें अगर, तो ये हमारा सॉलिड आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे सिंपल से 10 बॉर्डर स्टाइल है जिसे हम आगे एक मैं और करके दिखा जाऊँ आपको, डबल बॉर्डर वाला पी डॉट डबल लिखता हूँ, यहाँ क्लास देता हूँ, इसे क्लास सेलेक्ट की मैंने, और यहाँ बॉर्डर स्टाइल डबल, तो ये हमारा डबल हो गया। अभी आपको आउटपुट चेक कराता हूँ, आउटपुट में आ गया अपना सिंपल, ये देखिए डबल। एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए ये थोड़ा सा शो कर रहा है, अभी ज़्यादा जूम करना पड़ेगा इसका ना, मतलब कि आगे मैं बताता हूँ कि कैसे सेटिंग होती है, वो जैसे रेडियस वगैरह बीच में देना पड़ता है वो बात है, मतलब कि ये डबल शो हो गया, डबल है रेडियस इसका, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बॉर्डर स्टाइल। तो अभी मैं इसमें सॉलिड वाले में आपको आगे करके दिखाता हूँ बॉर्डर के क्या क्या होते हैं। अभी हम करेंगे बॉर्डर कलर, जैसे मैं अभी देता हूँ यहाँ सी ग्रीन दे दिया मैंने कलर, तो ये सॉलिड बॉर्डर का सी ग्रीन अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक मिनट रेड करके दिखाता हूँ आपको ताकि अच्छे से आउटपुट शो हो। तो ये मैंने हमने रेड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ ये रेड कर रहा है, ये बॉर्डर का कलर देना होता है, बॉर्डर कैसे कलर देना है वो बॉर्डर कलर हो गया अपना, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे बॉर्डर अपने विड्थ के बारे में, बॉर्डर कितना चौड़ा करना है, मतलब कि चौड़ा मतलब जैसे कितना उसकी मोटा रखना है उसको, मोटा सिंपल लैंग्वेज में मोटा, यहाँ देखिए मोटा हो गया बॉर्डर, आई एम सॉलिड बॉर्डर। तो ये हमारा यहाँ ना आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आप यहीं पर एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बॉर्डर रेडियस चेंज करता हूँ तो ये आप जितना कम करना चाहते हो कम, या कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, या मैंने लिख दिया 5 पिक्सल, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद ये मैंने कट किया तो यहाँ 5 पिक्सल। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस वाला ये वही आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं अभी कैसे चेक करें। ये एक मतलब कि ज़्यादातर ना वेबसाइट बनाने वाले इसी से देखते हैं, यहाँ तो कम ही करते हैं, वहाँ ज़्यादा देखते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर विड्थ हो गई, और उसके बाद हम बात करेंगे अपना बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस लाइक एक ना एक तरह से किसी को जैसे बॉर्डर रेडियस रेडियस तो आप समझ ही गए, किसी को गोलाई में या कुछ होता है वो होता है बॉर्डर रेडियस। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस मैंने फिक्स किया है, और यहाँ बॉर्डर रेडियस मेरा ये आ गया, मैंने अपना यहाँ किया था 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस लिख कर 10 पिक्सल कर दिया था तो हमारा इतना आ गया था। अगर मैं यहाँ 10 पिक्सल, 5 पिक्सल और 3 पिक्सल और 4 पिक्सल कर दूँ, गौर से देखना इसे ज़रा, ये काफ़ी काम आ सकता है। तो ये कर दिया, ये ना हर मतलब कि जो इसमें साइड है, साइड 4 साइड देना है तो अलग अलग
मतलब कि उसका आउटपुट शो करेगा। जैसे इसका 25 पिक्सल किया था ना, 10 पिक्सल किया था उसका, 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, ये 4 साइड्स के लिए ना अलग अलग लिखा हो जाता है। यहीं से आप देख सकते हो कि कैसे एडिट करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।